लेटेस्ट और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकॉन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अविनाश और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro Flipkart.com से बिना किसी ट्रिक के किस तरह से बाय कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हमें किस तरह से इसे बाय करना है। बिल्कुल ही स्लो मोशन तरीके से मैं आपको इसका लाइव प्रूफ जो है दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम और आप कहते हैं चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro को लेकर मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो बन रही है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपको कोई भी ट्रिक या विदाउट ट्रिक वाली वीडियो देखनी है तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पफिन ब्राउजर का आइकॉन। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पफिन ब्राउजर। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह से पफिन ब्राउजर को अपने पीसी में इंस्टॉल करें। आपको एंड्रॉइड के लिए मिल जाएगा और एंड्रॉइड के लिए भी लाइव वीडियो आप लोगों को मैंने जो है बना दिया है। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो भी ब्राउजर आप यूज करते होंगे, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं चले जाऊंगा और यहाँ पर आपको लिखना है डाउनलोड पफिन ब्राउजर, और ऐसा भी आप लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आ जाता है विंडोज 7 के लिए करना है कि किसके लिए करना है। तो देखिए पफिन ब्राउजर फॉर पीसी विंडोज 10, और आप इस तरह से जब इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो इसका पर्टिकुलर रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि www.puffinbrowser.com का आ चुका है /windows। तो इस पर्टिकुलर पहले ही रिजल्ट में हम यहां पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर ये जो पर्टिकुलर साइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर साइट है वो ओपन हो चुकी है। यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इस पर्टिकुलर डाउनलोड के ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आपका डाउनलोडिंग ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर डाउनलोडिंग ये होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको मैं यहां से कर दूंगा पॉज। आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सेटअप को डाउनलोड कर लेने के बाद इसको रन करने के लिए बस आपको इसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है और आप आसानी से यहां पर इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इस ब्राउजर के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने पफिन ब्राउजर ओपन कर लिया है। इसके बाद सबसे पहला काम आपको करना है, जो कि काफी लोगों को बाद में प्रॉब्लम होती है जब उनका पर्टिकुलर बाय हो जाता है, तो सबसे पहले आपको यहां पर जाना है। बाय डिफॉल्ट एड्रेस तो आपको सेट करना है, वो तो आपको पता है, लेकिन एक चीज और करना है आपको। यहां पर आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहां पर डालना है, क्योंकि यहां पर अगर आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे तो वहां पर मैं आपको लाइव रूम में दिखाऊंगा कि वहां पर आपका पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है वो होता है। अब आपको करना क्या है, फ्लैश सेल के दिन यहां पर सर्च करना है सबसे पहले तो आपको Redmi Note 5। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर Redmi Note 5 जो सर्च करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा जो भी जितना भी वेरिएंट यहाँ पर है। तो मान के चलिए हम पहला वाला वेरिएंट यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या करना है वो मैं आपको आगे लाइव प्रूफ वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपन लाइव प्रूफ वीडियो की तरफ और वहां मैं आपको सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर माउस का पॉइंटर वहीं पर रखा है जहां पर बाय नाउ का बटन अपीयर होगा। जी हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जहां पर बाय नाउ का बटन अपीयर होगा वहीं पर आप जो है अपना माउस का पॉइंटर रखिए और जैसे ही अपीयर होगा आपको क्लिक करना है। और इसी के साथ आपको इसको जो है कंट्रोल आर करते हुए बार बार यहाँ पर रिफ्रेश करते रहना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में यहाँ पर जो बाय नाउ का बटन अपीयर होगा। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 11:00 देख सकते हैं 11:59 ही हुआ है और यहाँ पर जो बाय नाउ का बटन आ चुका है और मैं इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपने लॉग इन किया तो आपका नाम दिखाएगा। दूसरा स्टेप में आपको दिखा रहा है डिलीवरी एड्रेस, तो डिलीवरी एड्रेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग एड्रेस जो है वो दिखाता है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपने बाय डिफॉल्ट एड्रेस सेट किया है उसमें आप यहाँ पर डिलीवर हियर पर जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे एक लिखा हुआ है ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड टू। तो यही वो जगह होता है जहां पर आपका पर्टिकुलर जो मैंने बताया था आपको अपना ईमेल डाल के रखना है। अगर आप यहाँ पर नहीं डालते तो आपको यहाँ पर डालने के लिए बोलता है, चक्कर में जब आप अपना ईमेल डालने जाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो आप अपना ईमेल वहां पर डाल लीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ पर आपका ईमेल यहाँ पर आपको होगा यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर आपका जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जो भी आप जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट आप यहाँ पर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप मैं यहाँ पर नीचे आता हूं तो आप देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, अगर सीओडी का ऑप्शन आता है तो उसे किस तरह से बाय करते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया था लाइव प्रूफ का, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कैश ऑन डिलीवरी जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं
तो यहाँ पर देखिए आपको 4 डिजिट का एक कैप्चा कोड जो डालना होता है, तो आप जैसे ही कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर कंफर्म करते हैं, कभी कभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कभी कभी इनकरेक्ट हो जाता है, कभी कभी स्मॉल और कैपिटल आपको देख के डालना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने स्मॉल के डाला और के डालने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर करना है, और जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर यहाँ पर करते हैं आपका बिल्कुल सक्सेसफुली सीओडी में यहाँ पर जो है प्लेस हो जाता है। ये मैंने बहुत ही स्लो मोशन तरीके से दिखाया है, लेकिन आपको ये बहुत ही फास्ट तरीके से इसको जो है करना होता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से बिल्कुल ही बिना किसी ट्रिक के पफिन ब्राउजर का यूज करते हुए पर्टिकुलर जो भी आप मोबाइल बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही, और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि बंदा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मेहनत तो कर रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश मोबी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।